बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। And we also have Mehleej Sarkari with us. Mehleej, how are you doing? God bless you. Take care. See you later. And we also have Mehleej Sarkari with us. Mehleej, how are you doing? Hello, Adam. How are you? I am doing very well. How are you doing? I'm doing very well. Haram harkatein. Kafirana stream to mere guys should join. La hawla wala quwwata illa billah. काफिरों की महफिल और महालीज ना, वहां पे मैं तो काफिरों की प्रॉफिट हूँ। अच्छा ये जरा ग्लास दिखाएं, ग्लास में क्या पूरी बोतल ही आ जाती है, इतना बड़ा ग्लास पकड़ा हुआ है। ओ भैया अभी तो ग्लास तो बिल्कुल खत्म हो रहा है। नहीं बोतल तो नशा क्या कहते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, राइट? मैं नाचती भी दिख रही हूँ आपको। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो ग्रेप जूस है। ग्रेप भी व्हाइट वाला है। I know I like white meat. क्या करूँ मैं? I like white meat. अच्छा क्या बातें हो रही हैं आज काफिरों की? बताओ आज किस किस को तुमने भगाया है? यार आज तो गपशप हो रही है ओपन लाइव स्ट्रीम में, काफिर जुड़ते जा रहे हैं और गपशप होती जा रही है। ये अब करण ठाकुर साहब की गपशप लगाने की बारी है, तो उतनी देर में स्टीव साहब आ गए। स्टीव साहब जो है वो पहले बंदे जिन्होंने मुझे फेसबुक पे देखा। मैं फेसबुक पे उस जमाने में टेक्स्ट में डिबेट करता होता था और टेक्स्ट आर्टिकल लिखता होता था। तो ही सेड के यार ये पुराने जमाने हैं, टेक्स्ट कौन पढ़ता है, टेक्स्ट वाली आर्टिकल्स कौन पढ़ता है। यू वांना डू समथिंग, यू वांना मेक एन इंपैक्ट, कम ऑन वॉइस। तो ही इज द वन जिसने 4 साल पहले मुझे पुश किया टुवर्ड्स कमिंग इन लाइव। दैट्स अर्ली 2018, मिड 2018 व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड to come on live in Facebook live, not on YouTube live. तो वहाँ से Facebook पे एक और है, वो तो बस उठा के बाहर फेंक देते हैं हर थोड़े दिन बाद। Exactly यही हुआ कि जेल में डालना शुरू किया, तो फिर मैंने कहा यार YouTube पे आते हैं। तो 2019 में मैं YouTube पे आया था, तो उससे पहले Facebook पे था। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता था YouTube पे आ गए, तो YouTube पे गपशप शुरू हुई। So now we are here. That's good though. ऐसी होता है ना, लोग आपको push करते हैं and then you become, you know, they know, they can see something in you. और फिर वो आपको push करके and then see where you are now. So you have a lot of knowledge ना. उस दिन मैं तुमको सुन रही थी, पता नहीं कौन सा आप थे, बड़े तमीज से बात कर रहे थे तुम. I was shocked. Amen. प्यार से बात कर रहा था उनसे, करते करते वो बंदा हंसना शुरू हो गया पीछे, बस एडम की वहीं से हट गई. नहीं असल में यार तुमसे बात करो तुम हंस रहे हो मुझे. ये असल में इस्लाम का एक क्या हो रहा है, किसी फीडबैक आना शुरू हो गया एकदम से। ये इस्लामिक डिबेट्स का एक बेसिक आप देखिएगा, कभी भी आप इस चीज को समझेंगी। मैं चूंकि बचपन से इस्लामिक डिबेट्स भी करते रहे हम, तो हमें अंदाजा इस चीज का। जब आप जब ये लोग जो है ना, ये लाफ और मॉकरी और एक दो सेंटेंस बोलेंगे, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, you can't answer what I was doing, you can't do this, and you don't even know. So what happens is aapke solid treen argument ko undermine karne ke liye na ye laugh karke jo hai na unka statement ye hoga ki tu ne meri baat samjhi nahi ya tune meri argument ka jawab nahi diya, mockery ke andaaz mein bolna shuru karenge. To basically us bande ko mujhe wahan pe chand kara ke seedha karna bahut zaruri tha. तो वो उस वक्त करना एक मजबूरी था, क्योंकि ये लोग अगर आप इनसे प्यार से बात, अव्वल तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर मैं प्यार से करने आया ना बात, तो फिर मुझे वहां पे स्टिक होना पड़ेगा जहां पे ये वो वाला टैक्टिक यूज करेंगे। दिस इज अ टैक्टिक, दिस इज इस्लामिक टैक्टिक। आप देख ले किसी भी डिबेट में, आप इवन आप देखेंगे जो बड़े से बड़े आपके इनके स्कॉलर्स हैं, आप इवन अहमद दीदात को देख लें, ही स्टार्टेड दिस मॉकरी इन हिज डिबेट्स टू बिगिन विद, यू कुडंट आंसर व्हाट आई सेड, यू नो, तुम ये, ही स्टार्टेड दैट। उसको पीक पे लेके गया जाकिर नलायक, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि मीमी हिजाब उसको बहुत ज्यादा यूज करता है, और ये तमाम जितने इस्लामिक दावा गंगे हैं ना,
ये इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. एंड अब मुझे सब लोगों ने कहा था यार अच्छे तरीके से प्यार से डिबेट करो, तुम प्यार से डिबेट करते करते अगले को इतने अच्छे तरीके से तबाह कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, सो व्हाई डोंट यू डू दैट. बट यू नो वहां पे अगर मैं उसको जाने दूं ना इस बात पे, देन ही विल गोइंग टू डू दैट एवरी सेकंड, एवरी अदर सेकंड, इन एवरी अदर रिबटल. सो उसको उसकी सीट पर बिठाना बहुत जरूरी था उस वक्त. So, नहीं मगर इनके बीच में ये होता है ना, इवन मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं हर किसी से पहले आप करके बात करती हूँ. उस दिन पता नहीं किसकी मैं स्पेस में बैठी हुई थी, तो वहां पर भूपिंदर की स्पेस में बैठी हुई थी. एनीवे सो वहां पर एक मुस्लिम आया हुआ था, तो उससे ज्यादा बातें हो रही थी, मैं आप करके बोल रही हूँ, तो मुझसे कहता है यू शट अप. मेरी वहां पे हट गई. मैंने कहा मैं तुमसे आप करके बात करी तो फिर तुम्हें तो पता है ना मेरा तो सेंसर नहीं होता. मैंने ये काट के तुम्हारा ऐसी जगह पर डाल. उसके बाद कहते हैं मुझे आवाज ही नहीं आ रही लड़की की. उसके बाद आवाज नहीं. क्यों उंगली करते हो, मैं आराम से बैठी हूँ, तुमसे आराम से बात कर रही हूँ. और अब आई डोंट नो, मेरा तो पारा जो है वो 0 से 100 पे ऐसे जाता है फॉरन. लाइक मेरे अंदर वो टॉलरेंस नहीं रही है, मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं रहा है कि इनकी जलेबियां खाऊं, घुमाऊं, क्योंकि दैट्स व्हाट दे डू राइट. चाहे वो डिबेट हो, ऑनलाइन हो, टीवी पे हो, ये घुमा घुमा के सारा टाइम जाया कर देते हैं जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं. और उसके बाद कहते हैं देखो हम जीत गए, इनके पास तो जवाब ही नहीं था. मैं समझ गई इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है. तो दैट्स व्हाई आई नो वी हैव टू बी अ लिटिल अग्रेसिव. यानी मैं अच्छी तरीके से बात करती हूँ लोगों से, मगर क्या करें, ये एट द एंड या तो ये आपके ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे. खैर एज अ वुमन मैं बता सकती हूँ कि मेरे पे क्या होता है, पर्सनल अटैक्स आते हैं, मेरे कपड़ों पे बात आ जाती है, यू नो, या मैं खराब हो रहा हूँ, बस एंड ऑफ द डे इसी चीज पे आते हैं. फिर उसके ऊपर गाली दे के निकल जाते हैं, बस सुन्नत में अमल करते हैं, वो गाली देते हैं और वो कहते हैं दिखा देते हैं हम असली मुसलमान हैं, और फिर वो निकल जाते हैं यहाँ से. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एवरी सिंगल टाइम. सो आई कैन टोटली सी व्हाई यू गेट अपसेट टू. Absolutely, absolutely. तो थोड़ा सा आगे चलते हैं. You can be here and add your knowledge and information in speaking. So हमारे करंट ठाकुर साहब हैं, whose number was next, but unfortunately काफी लेट हो गए बेचारे. जी ठाकुर साहब, करण ठाकुर चले, लगता है वो सो तो नहीं गए. शाहीन का पूरा नाम मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आज तक नहीं फिर प्रोनाउंस कर सका, आज कैसे करूंगा. हेलो एडम ब्रदर. जी हेलो सर. वाहमन सदिकान, ये मिडिल पर्शियन नेम है. इसको अगर आज हम मॉडर्न पर्शियन में बोलेंगे तो ये वाहमन जान बन जाएगा. वो गान है, गान का जान बन जाएगा. ये सिंबल भी आपने वो लगाया हुआ है ना. दरोद अबर तो एडम भाई, सैल्यूटेशंस अपॉन यू, कैसे हो सर? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए. गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. बढ़िया. तो काफी क्वेश्चंस थे, वैसे क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो वैसे काफी आंसर होते ही हैं. तो जैसे एक भाई ने पूछा था ये जिन क्या होते हैं, ये जिन का क्या ओरिजिन, तो क्लेरिफाई करना है. तो जिन जो चीज है ये एक्चुअली अरेबिक ओरिजिन नहीं है इनका. इनका ओरिजिन मेसोपोटामियन है. जो मेसोपोटामिया जो ओरिजिन था फरात और ददला नदी के बीच में, जो काफी ग्रेट सिविलाइजेशन रही है, तो उधर क्या है ये मोहम्मद से करीब 1500-1600 साल पहले एक लैंग्वेज बोली जाती थी एरेमाइक, सीरियाक एरेमाइक लैंग्वेज, जिससे कि अरबिक बनी है बाद में, अरबिक लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है. तो उस समय कुछ कुछ उनके खुदा होते थे और उन खुदाओं को उन्होंने बाहर निकाल दिया था अपने पैंथियन से, तो वे खुदा बन गए थे. फिर वो उन पे लानत भेजने लग गए थे जो बाकी जो वहां के लोग थे, और उनके खुदा बदल गए थे. बेसिकली वो सुमेरिया के खुदा थे, और जब बाद में जो लोग आए वो असीरियन आए थे. असीरियन जो लोग थे वो सुमेरियन से अलग थे, तो इसलिए जो असीरिया के और बेबीलोनिया के लोग थे उनके खुदा अलग हो गए. जैसे मार्दुक हो गया एक खुदा, असुर नाम का एक खुदा हो गया जो मेन असीरियंस का जो मेन भगवान था. तो क्या है, जो बाकी कुछ सुमेरियन खुदा थे, छोटे मोटे खुदा थे, तो उनको एक मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, एक डिमोनिक वे में दिखा दिया गया कि ये जो लोग थे ये एक डीमंस थे, ये जो है ये मतलब कि
जो डेजर्ट में घूमते थे, बेसिकली जिनका मतलब है इनविजिबल स्पिरिट्स, जो कि भटकते रहते हैं डेजर्ट में, घूमते रहते हैं, अगर एनकाउंटर हो जाए तो वो खून चूस लेते हैं। ये जो अरेबिक और मेसोपोटामियन मैथोलॉजी में दो है, एक तो जिन है और एक घूल है। जो घूल होते हैं, घूल क्या होते हैं, वो जोम्बी की तरह होते हैं लेकिन वो जोम्बी से ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो इंसान का खून चूसते हैं, एक तरीके से वैम्पायर और जोम्बी का मिक्सचर है घूल। और दूसरे होते हैं जिन, जिन होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो एक रूह की तरह होते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो एरेमाइक है, मेसोपोटामियन है, जो कि बाद में जो नॉर्दर्न अरेबिक जो एरिया था, नेज जो रीजन था, एक तो हिजाज रीजन है जो कि मक्का मदीना वाला है, और दूसरा है नेजाज जो रीजन है, वहां पर काफी प्रेवलेंट था इनका कल्ट। तो मोहम्मद के टाइम में मोहम्मद ने क्या इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपने रिलीजन के अंदर। तो ये तो था जिन का कंसेप्ट। और जो भाई ने कहा था परी, परी क्या है, परी पर्शियन कंसेप्ट है। ईरान में ज़ोरास्ट्रियन धर्म में काफी जो परी होती थी वो इविल स्पिरिट्स होती थी, वो कहते हैं वो इंसानों को भटकाती थी, वो सुंदर सुंदर परियों के रूप में, हूरों के रूप में आएंगी, वो आपको बहकाएंगी बहलाएंगी, लेकिन अगर आप उनके उसमें पड़ गए तो वो असल में क्या है, आर्यमान की वो होती है, आर्यमान की स्लेव्स होती है, वो जो आर्यमान जो डेविल है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में, उसकी स्लेव्स है, एक तरीके से डीमन होती है वो। कुछ एक परी ठीक होती है, जो कि वही थोड़ा बहुत क्या है कि इस्लाम ने ज़ोरास्ट्रियनिज्म से कॉपी किया हुआ है, वो ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी वो ये कि कुछ एक जो परियां वो बाद में सही होगी थी। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है परी का, इस होल पर्शियन कंसेप्ट एक्सक्लूसिवली, तो इस्लाम और अरेबिक से कोई इसका मतलब नहीं। और जैसे तीसरी बात भाई ने बताई थी ज़ुल्करनाइन की, ज़ुल्करनाइन जो लेजेंड है वो एब्सोल्युटली अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर बेस्ड है जी, वो तो बता दिया बिल्कुल। हाँ वो तो है, आपको भी पता है। उसमें एक क्या है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के कुछ साल बाद जो कि जूस को एक राइटर था, उसने उसकी लेजेंड्स लिखी थी, और वो लेजेंड्स जो नॉर्दर्न अरेबिया का जो इलाका है वहां पे काफी फेमस हो गई थी। और अलेक्जेंडर के खुद के समय में, अलेक्जेंडर जब, अगर अलेक्जेंडर की बायोग्राफी है उसका वो पढ़ोगे, तो जब उसने पर्शियन साम्राज्य, जो पहला पर्शियन साम्राज्य था, हखामनिशी डायनेस्टी थी जो अखमेनिस, उसको जब बैटल ऑफ गाउगामेला हुआ था, गाउगामेला की लड़ाई में दराइश को हराया था उसने, शानशाह दराइश को, उसके बाद जो अरब कबीले थे वो दो खुदाओं को पूजते थे, तो अलेक्जेंडर ने स्पेशली कहा था कि मेरे को तुम तीसरे खुदा के रूप में पूछो, मतलब मेरे को तीसरे खुदा के रूप में मेरी पूजा करो तुम, मेरे को ग्रीस में, ग्रीस और इजिप्ट में ऑलरेडी पूजा जाता था। ग्रीस में अलेक्जेंडर को ज़ूस का बेटा कहते थे, और इजिप्ट में एक भगवान था आमून, इजिप्ट में उसको आमून का बेटा कहते थे। तो जो सीवा एक ओएसिस है इजिप्ट में एक, तो वहां पर, वहां का जो पादरी था उसने अलेक्जेंडर के जो को एक ताज पहनाया था, एक वो ऐसा ताज था जिसपे दो सींग थे, एक टाइप का एनिमल होता है, एक बकरी टाइप का एनिमल होता है जिसे रैम कहते हैं इंग्लिश में जी, जी। तो उसके काफी घुमावदार सींग होते हैं। तो अगर अलेक्जेंडर के सिक्के देखोगे तुम उस इलाके में, वो सिक्के काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे अरेबिक पेनिनसुला में, और उसमें तो उन सिक्कों में साफ दिखाया गया है अलेक्जेंडर को दो सींग पहने हुए। तो ये जो ज़ुल्करनाइन का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वही है कि दो। और एक और चीज है, और इसमें जो दीवार वाली बात कही गई है ना कि अलेक्जेंडर, उसने ज़ुल्करनाइन ने एक लोहे की दीवार बनाई थी गोग और मगोग को उससे बचने के लिए, वो एक्चुअली क्या है, वो जो दीवार है वो शाहनशाह खुसरो अनुशीरवान ने बनाई थी अलेक्जेंडर के बहुत बाद, जो ससेनियन टाइम्स में शाहनशाह था खुसरो, उसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बनाई थी, ये सर्च कर सकते हो, उसका नाम था दीवार ए गुरगान। ये 200 किलोमीटर लंबी दीवार थी जो आज का जो तुर्कमेनिस्तान और ईरान का बॉर्डर है वहां पर बनाई थी, जो सीथियन लोग थे, जो तुर्क लोग थे, हेप्थलाइट हंस थे, उनसे बचने के लिए। और एक काफी बड़ा कैसल बनाया था दरबंद, जो आज का रशिया है, रशिया में एक जगह है दरबंद करके, तो उधर बनाया था। तो फिर वो ये अलेक्जेंडर की लेजेंड और खुसरो अनुशीरवान की ये लेजेंड, ये मिक्सअप होके ये फिर ये ज़ुल्करनाइन बन गई मोहम्मद के समय। जबरदस्त ऑसम यार, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू ब्रदर। और बिल्कुल एक ये जो सुलेमान का जो कंसेप्ट है, जैसे कि जो सोलोमन था जो डेविड का बेटा था, ये इसने जैसे कि उसको फरिश्ते भी उठाते थे, उसको वो मतलब कि डीमंस भी उठाते थे, नहीं ये मतलब डीमंस भी थे, वो भी थे। आप सोलोमन जो डेविड का बेटा है ना उसकी बात ना करें,
तो वहां पे डीमन शीमन कुछ नहीं उठाते थे, ये सिर्फ कुरान में उठाते थे और हदीसों में उठाते थे। ये नाम जरूर ले लिया लेकिन उसको बहुत बदल दिया। वहां पे उसके पास कोई जिन्नों की ताकत नहीं थी कि जिन्न उसके कब्जे में थे, वहां पे उसने कोई जिन नहीं भेजे थे कि जाके मलका का तख्त उठा के ले आ। ये सारी कहानी जो है ना ये इधर ही है। वहां पे सलमान, मैं समझ गया मैं क्या हुआ। हां वहां पे जो सोलोमन है, जो डेविड का बेटा सोलोमन है, वो एक सिंपल किंग है जो डेविड के बाद तख्त पे बैठा। डेविड के एक सिंपल किंग है एंड दैट्स इट। हां ही वाज नॉलेजेबल पर्सन, यस। अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। बाइबल के अंदर आता है कि सोलोमन हैड द विजडम एंड नॉलेज एंड ही न्यू अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसको कुरान ने अबाउट को लिख दिया, ही हैड द नॉलेज अबाउट, लिख दिया कि उसको परिंदों की जुबान आती है। इमेजिन करो कि उसको चेंज कैसे कर दिया, उसकी जुबान बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अच्छा अबाउट टॉक्ड अबाउट को कर दिया टॉक्ड विद, कि वो टॉक करता है विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। वहां पे आता है टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि मैं परिंदों जानवरों के बारे में बात कर किया, उसको कर दिया परिंदों और जानवरों से बात किया। लाइक दिस इज हाउ स्ट्यूपिड इट इज कि मोहम्मद साहब को अंब का नहीं पता था, सुनता कुछ था, मुंह से बोलता कुछ था, तो गेम ही चेंज कर दी, परिंदों से बोलना शुरू कर दिया। वहां पे वो नॉलेजेबल बंदा दिखाया गया कि he had a wisdom and knowledge, और उसने परिंदों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया। यहाँ पे हो गया उनसे परिंदों और जानवरों से बातें की, से बात किया। लाइक क्या स्टूपिड बातें है यार, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है भाई एडम भाई ये रुजबे ने किया है। रुजबे खुशनुदान था ना सलमान फारसी, पक्का उसी ने कान भरे मोहम्मद के, क्योंकि ये जो भाई सच में इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है सोलोमन का कि वो एक सुपर नेचुरल टाइप का किंग था, उसका अर्श पूरी दुनिया पे फैला हुआ था, एक्चुअली ये ज़ोरोस्ट्रियन लेजेंड है जमशेद की। शहनशाह जमशेद था, उसको कहा गया था कि उसके कोर्ट में डीमंस भी थे, डीमंस को उन्होंने अच्छा बना दिया था, तो ये एंजल्स भी थे वो भी थे, और उसका जो तख्त था उसको हवा में उड़ाते थे, उसका इतना उसका जलाल था पूरी दुनिया में जमशेद का। तो जमशेद की जो लेजेंड थी वो सोलोमन की जो हिस्ट्री और लेजेंड थी उसके साथ कंबाइन करके ये सुलेमान वाला जो कंसेप्ट है इस्लाम में ये बना दिया। और ये पक्का रुजबे खुशनुदान ने, सलमान फारसी ने किया है, क्योंकि वो ही एक इतना, क्योंकि सलमान फारसी के बारे में कुरान में ये कहा गया है कि वो काफी नॉलेजेबल पर्सन है। उसको पता नहीं कुछ, एक तो मोहम्मद के घराने में जोड़ा गया है और दूसरा उसको ये बताया गया है कि उसको दो किताब आती हैं, ही इज द मास्टर ऑफ टू बुक्स, तोरा इंजिल जबूर और ये कुरान का, उसको काफी मतलब ये, तो इस तरीके से बताया गया। तो आई एम 100% श्योर कि रुजबे खुशनुद्दीन ने उसके कान भरे थे मोहम्मद के। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच शाहिन साहब, आपने काफी इंफॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट भाई की तरफ अपने चलते हैं। थैंक यू एडम भाई, शाबाश गुजारम सर, शाबाश गुजारम सर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं सर। और जॉन विक जी महलीज साहबा की तारीफ करते हुए कह रहे हैं, महलीज आप कितनी औसम हो यार, क्या बात है, कभी किसी ने हमारे लिए ऐसा सुपर चैट नहीं दिया। महलीज जी ऐसे कर दो, इतनी सारी लड़कियां यहाँ आती हैं कहती हैं एडम मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, एडम फैन गर्ल के नाम से घूम रही होती, मैंने तो आज तक नहीं देखा, महलीज फैन बॉय के नाम से भी घूमता है। ये देखे ना कितना कितना पप्पू किस्म का कमेंट दिया उसने, महलीज आप कितनी औसम हो यार, लेवल है जी आपका, लेवल ही और है। वैसे ये साहब जो परियों की बात कर रहे थे ना, कहने लगे परिजन्स में चंद परियां होती थी अच्छी होती थी, मेरे ख्याल से वो मेरे बारे में बोल रहे थे। आए हाय हाय, आपके पर किधर गए वैसे? काट दिए जालिमों ने, मैं फिर भी उड़ जाती हूँ, कमी देना हो तो स्मोक कर करके मैं उड़ जाती हूँ, मैंने कहा पर की जरूरत ही क्या है, पता है क्यों गिरा है। आपके फैन आ गए जी मैम, म्यूट जी आइए जी, आकाश भाई बात करें।
आपने जो ये क्या बोलते हैं, आपने एक रिएक्शन दिया था फेस टू फेस के ऊपर, मैंने आपका वो भी वीडियो देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा था साइड की वीडियो भी, तो जो एक मौलवी साहब थे मैम, आपने जो अपना ये मतलब कवर नहीं कर रखा था आगे से, ठीक है, तो बोलता है मुझे वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसके अंदर से, मतलब मेरा ईमान डोल रहा है। फर्स्ट टाइम आपने देखा, मुझे इतनी हंसी आई ना वो वीडियो देख मैंने कहा यार क्या बोलूं यार, वो बंदा भाई मतलब फ्लैट ही हो गया, बोलता मत करो ऐसा ये वो। फर्स्ट टाइम मैंने आपके साहिल की वीडियो में देखा था मैम, एक आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे मैं, मतलब आपकी काफी वीडियो शेयर थैंक यू करता हूँ। सो मच, थैंक ठीक यू। है, मैं सब लोगों को सीधी और लाइन पे आप लाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, सीरियस वो क्या बोलते हैं ना, मैं इन कुत्ती के बच्चों को आपका मतलब वो पहला डायलॉग होता है ना वो आराम काफी, से हो, आराम से हो, मैं रिलैक्स हो, बोल रही रिलैक्स। हूँ भाई, मेरी गर्ल सुन रही है, मैं भी कुत्ते के आपकी। बच्चे, कुत्ते के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं यार, कुत्तों से मत कंपेयर। क्या कभी देखा है कुत्ते के बच्चे को? और मौलवी साहब की शक्ल देखी है? किसी औरत से देखो बोलो वो कुत्ते के बच्चे को दे दो, मैं इसके साथ चप्पी डाल के, मौलवी साहब को कहेगी नहीं दूर रखो इसको मुझसे। भाई, भेड़िया अरे भाई को एक होता है, भेड़िया ज्यादा उनपे फिट होता है। नहीं मैम, वैसे आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, है तो क्यूट वैसे, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा वो ज्यादा बोल देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, गाली वाली थोड़ी ज्यादा दे देते हैं। अब भाई तो कोई गाली देगा नहीं तो मैं उसको हार तो नहीं पहनाऊंगी ना। मुझे गाली मैं उसी को देती हूँ, मुझे गाली देता है। मैं कभी पागल आप थोड़ी हूँ जो मैं फालतू में उठ के गाली दे दूंगी। हाँ मुझे गाली दोगे तो फिर मैं आपको ट्रिपल अमाउंट दूंगी, फिर मेरे पर कोई सेंसर नहीं है ना एडम, दैट्स फेयर राइट? दैट इज फेयर, नाउ दैट इज फेयर। मैं तो इसीलिए कहा था भाई, तू अभी हमारे पास लेडीज बैठी हैं तो जरा उसने, लेकिन आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं कवर किया तो पप्पी बना दिया आपने, तो गुड गुड शो, गुड मैं शो, भाई कैरी ऑन। एक चीज हो रहा है, मतलब ये जो मूवमेंट है, मतलब अच्छा तो काम कर रहे हैं भाई, लेकिन जो आपके पंजाब का जो एरिया है जैसे, ठीक है, क्योंकि मैं भी पंजाब बॉर्डर पे ही है, हमारा भी पाकिस्तान पंजाब की, तो मतलब ये मूवमेंट मतलब आपके पंजाब में ज्यादा बढ़ रही है या सिंध में भी या पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है? मतलब मुझे नजर तो आ रहा है भाई, बहुत सारे पंजाब के जो मतलब पाकिस्तान के लोग सर हैं अभी इस काफी वक्त छोड़ रहे मेरी हैं। हमारी मूवमेंट जो है ना, मेरी जो वीडियो की वॉच है, आप देखें कि मेरी जो लाइव स्ट्रीम की रीच है वो तकरीबन 100,000 के करीब है, ऑलमोस्ट गिव अ टेक। और जो मेरी हाँ नॉर्मल वीडियोस की रीच है वो ऑन दी एवरेज जो है ना 40,000 के करीब चलती है, जो शॉर्ट वीडियोस है मेरी, नॉट द शॉर्ट जी शॉर्ट्स, द शॉर्ट वीडियोस लाइक 15 मिनट 16 मिनट वाली वीडियो। शॉर्ट जो है ना जी वो तो एक स्टुपिडिटी है मेरे मुताबिक। क्यों, मैं आपको इसका जी रीजन बताता हूँ आई नो कि शॉर्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर मैं अपने आर्गुमेंट को प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और आप मेरी शॉर्ट के जब चैट देखते हो ना, उसमें मुस्लिम बार बार ये कहते हैं इसका तो ये है, इसका तो ये है, इसका तो ये है, वो रिबटल देते हैं। रिबटल इसलिए दे सकते हैं क्योंकि 1 मिनट की शॉर्ट में आर्गुमेंट पूरा प्रेजेंट नहीं हुआ हुआ, वो एक सही बात पॉइंट रखा हुआ सिर्फ, और जी, उससे रीच चैनल की जरूर बढ़ती है शॉर्ट से। लेकिन मेरा ख्याल है कि सही मेरे बात चैनल की रीच शॉर्ट की वजह से खराब भी हुई है। लाइक मेरा चैनल अब इस वक्त मैं जैसे ही लफ्ज बोलता हूँ ना हेलो आके, तो मेरी वीडियो नॉन मोनेटाइज हो जाती है। आप इवन देखो कि मेरी नॉन मुस्लिम स्ट्रीम्स नॉन मोनेटाइज हैं। मैं अभी भी आपको अगर दिखाऊं अपना स्टूडियो तो आपको नजर आएगा कि मेरी हर वीडियो जो है वो लिमिटेड मोनेटाइजेशन, जो कि ऑलमोस्ट नॉन मोनेटाइजेशन है, उसमें चली जाती है। सिर्फ हाँ मेरे मुंह, मेरे लफ्जों से, मेरे मेरे मुंह बोलने से ही चली जाती है। लाइक मैं आता हूँ पहले 10 सेकंड में मेरा जो है लाइव वो नॉन, क्योंकि इतना मेरा चैनल रिपोर्ट करते हैं मुस्लिम, आई डोंट थिंक इट्स तो ओनली यू एडम दो। देखो मेरे साथ क्या होता था, पहले मैं शॉर्ट्स इतने नहीं डाल रही थी, मैं वीडियोस डाल रही थी, तो पहले होता था कि चंद वीडियोस हो जाते थे मोनेटाइज, फिर क्या होने लगा कि हर वीडियो पे येलो आ जाता था, हाँ आई हैड टू वेट एवरी वीडियो, आई हैड टू वेट। अब शॉर्ट्स में आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू मौलवी हब टीवी के, उसमें ना उसमें मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं एक आध देखना तुम वो, तो उसमें दो मेरे तीन शॉर्ट्स इस वक्त हैं, देर आर ओवर मिलियन विद इन अ मंथ, नाइस एक नाइस, तो 1.3 1.5 मिलियन पहुंची है विद इन अ मंथ। उससे मेरी रीच भी रीच्ड अबाउट 5.5 मिलियन व्यूज नाइस नाइस। लास्ट मंथ राइट, लाइक मेरा उसमें चैनल 5 मिलियन। तो फुल शैडो बैंड में चल रहा है ना। लाइक आप जस्ट सोचो कि मेरे इमेजिन, मगर चैनल आप की वीडियो की जो लिंक है, मेरा दूसरा, मेरा चैनल की वीडियो का लिंक मेरे दूसरे चैनल को 3 या 4 दिन बाद पता लगता है कि एडम सीकर उर्दू अपलोडेड अ वीडियो। 4 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगी कि मैंने वीडियो अपलोड किए। सो यानी हाँ इतना ज्यादा शैडो बैंड है मेरा चैनल। तो नहीं, इट लाइक डज हैपन, मगर एट द सेम टाइम मैं ये बता रही हूँ कि शॉर्ट से आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा, सब्सक्राइबर आ जाएगा। आपको पता है 1.5 मिलियन पे यूट्यूब ने मुझे ऑब्वियस कितने पैसे दिए हैं? गैस करो, $5 से $6, $4।
$4 पांच दे गए थे मैंने $4 सो बिकॉज लिमिटेड मोनेटाइजेशन में है ना उसकी रीच से पैसा नहीं आ रहा नो नॉट लिमिटेड दैट्स नॉट लिमिटेड शॉर्ट्स पे आपकी कमाई बिल्कुल नहीं होती है व्हाई क्योंकि शॉर्ट्स पे हम जो है बिल्कुल नीचे हैं पहले इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा वो सब कुछ कट कटा के जो हमको हमको $4 देती 1.5 मिलियन व्यूज पे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट्स नॉट द पॉइंट है जिसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला हुआ लाइक अभी अच्छा जी आज की वीडियो मैंने अपने देखना शुरू किया चलो काफिराना वीडियो बनाया मैंने कहा चलो ये तो चलो मोनेटाइजेशन में जाएगी मैं आया हूँ मैंने जब तक मैंने वो वीडियो चलाई ना दूसरी तो मैं रिफ्रेश करके देख रहा था मैं आज स्पेशली देख रहा था कि मेरे चैनल की लाइव वीडियो कितनी देर बाद लिमिटेड में जाती है मैंने आज शुरू में ना 3 मिनट की एक वीडियो चलाई जब तक 3 मिनट की वीडियो चली है ना वो फुल मोनेटाइजेशन में था उसके बाद मैंने आया हूँ और मैंने सबको हेलो हाई किया है मैंने कहा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आइए लिंक भेजा है मैंने दोबारा रिफ्रेश किया उसके बाद तो लिमिटेड में चला गया मेरी आवाज जैसे ही चैनल पे निकलती है ना वो लिमिटेड मोनेटाइजेशन में चला जाता लाइक मेरी आवाज भी लिमिटेड हो जाता है अब ये नहीं है कि मैंने कुछ कहना है उन्हें एडम सीकर की आवाज के ऊपर उन्होंने लगा दिया जी जैसे ही अपनी आवाज निकालेगा लिमिटेड मोनेटाइजेशन में कर दो That's it. नहीं, I totally get it. मेरे साथ भी यही है वो नगिंदर पांडे जो मेरा मॉड है वो ये कहते हैं वाली सारी जो हर चीज जो येलो में चली जाती है हर चीज येलो पे चली जाती है अच्छा एक वीडियो जिसमें मैं रिएक्शन कर रही थी वो जो अभी बिलावल होकर आया ना इंडिया तो वो कौन से मिनिस्टर थे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था बिलावल के उसपे उसको लिमिटेड उसमें डाल दिया कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट कुछ है ये वो उनके स्टेटमेंट में कौन सा सेक्सुअल कंटेंट था लाइक लिटरली देयर इज नथिंग टू इट क्या नाम था उनका यार वो जो हमारे उन्होंने बिलावल के ऊपर जो बोला था होम सेक्रेटरी है कौन है बट आई डोंट नो मगर उसने बोला था हां कुछ नहीं बोला उनकी मैंने सिर्फ रिएक्शन दिया है उस पे आई डिडंट से एनीथिंग उसको डाल दिया आवाज की वजह से ना आवाज कैप्चर हो रही है इस वक्त कंटेंट कैप्चर नहीं हो रहा कि हम क्या कह रहे हैं कैप्चर ये हो रहा है कि हमारी आवाज क्या है बस दैट्स इट अब आवाज के ऊपर कैप्चर हो रहा सो आई वाज अमेज्ड लाइक how biased are have a youtube has so good agar aap full time biased hai yeah adam ji main ye keh raha hu ki agar aap facebook pe twitter pe आप इन जगहों पे भी जाएंगे ना मतलब आप वहां पे अपलोड कीजिए ब्रदर इससे क्या होगा फेसबुक से रीच ज्यादा बढ़ती है और मतलब आपको मतलब फेसबुक पे मेरी वीडियो जा रही है यार मुझे क्या बता रहे हैं फेसबुक पे मेरी वीडियो जा रही है मेरी लाइव जब मैं जाता हूँ मैं फेसबुक पे भी होता हूँ ट्विटर पे भी होता हूँ यूट्यूब पे होता हूँ तीन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लाइव जाता हूँ मैं अच्छा यू नो एडम आई वेंट फ्रॉम फेसबुक मैंने जनवरी में एक चीज स्टार्ट की थी कि मैं 30 डे लाइव जाऊंगी मैं स्क्वाट्स करूंगी वर्कआउट करूंगी सिर्फ आई वॉज हैविंग 5,000 बिकॉज़ माय फेसबुक हैज 1.2 मिलियन फॉलोअर्स उसमें 5,000 लोग मुझे देख रहे थे राइट दो हफ्ते तक ठीक चली इसी तरीके से 3,000 2,000 उसके बाद अब मुझे वहां पे 200 से ज्यादा देखते ही नहीं हो 200 तक मैक्सिमम जाएगी एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन 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 टू अ पॉइंट देयर इज 10 पीपल लेफ्ट देयर आप खुद इमेजिन करो इट वाज फेसबुक पे ह्यूज शैडो बैन किया हुआ है मुझे और मैं वहां पे शाम की बात भी नहीं कर रही होती हूँ दैट्स अ फनी पार्ट नहीं नहीं उन्हें शक्ल ही नहीं पसंद आपको फेसबुक वालों को यार मुझे तो ट्विटर से भी इन लोगों ने तो मेरे को ट्विटर से भी हटवा दिया था सारे मुसलमानों ने वो तो इलॉन मस्क को अल्लाह मियां जो है दुआएं दे क्योंकि उन्होंने मुझे वापस लेकर आ गए वो और किस चीज पे मैंने सिर्फ एक वो तस्वीर थी मीम थी जहां पर एक बंदा है वो छोटी सी बच्ची का ना हाथ पकड़ के लेके जा रहा है और पीछे दो औरतें बुरके में कह रही हैं हाँ इन लोगों को ना यंग लड़कियां पसंद होती हैं मैंने सिर्फ ये लिखा था क्या आजकल के मुसलमान जो है अपनी 6 साल की बच्ची की शादी कर देंगे 52 ईयर ओल्ड से बस ये लिखा था तो उसमें मुझे कह दिया तुम सबको टारगेट कर रही हो पूरी रेस को या किसी कम्युनिटी को उस पे मुझे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था कि आपको वापस ही मिलेगा अपना अकाउंट चलो माशाल्लाह तो, मगर मुझे इलॉन मस्क ने दे दिया मैं उसको पर्सनली जानती हूं मैंने उसको फोन घुमाया था कि क्या हो रहा है यार क्या कर रहे हो आपके चाचा जी लगते हैं वो मेरी पहुंच इलॉन तक है मैं क्या करूं इलॉन ने मुझको फौरन कहा अच्छा ठीक है महाराज आप मैंने कहा कोई नहीं मैं आपके लिए पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीद लेता हूं और बताएं है ना एनीवेज गाइस थैंक यू मैं निकलती हूं मैं काजी के लिए थैंक यू ऑलवेज फॉर टॉक टू एडम दोबारा थैंक यू सो मच बाय ऑलराइट नेक्स्ट इन लाइन हमारे पास है जी दिल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है